हरिद्वार में सिद्धपीठ मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन भगवती मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है और इस मौके पर दूर दराज से लोग यहां पहुंच रहे हैं। यहां स्थित माया देवी मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि हरिद्वार का नाम भी माया देवी के नाम पर ही पड़ा है। लोगों की ये भी मान्यता है कि भगवान नारद ने भी यहां आराधना की थी। लोगों का मानना है कि माया देवी मंदिर में नवरात्र में जो भी दर्शन के लिए आता है उसकी धन संपदा बनी रहती है। यहां लगने वाली लंबी लंबी कतारों का एक कारण ये भी है कि विश्व में पहला स्थान है जहां सिद्ध देवियों के तीन मंदिर एक ही स्थान पर है। नवरात्रि की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी धूम देखने को मिल रही है। बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ मंदिर माया देवी है और इस मंदिर की मान्यता बहुत है। माना जाता है कि माया देवी के नाम पर ही, माया देवी की वजह से ही हरिद्वार का नाम हरिद्वार पड़ा है। इसके साथ ही नारद मुनि ने भी माया देवी में पूजा अर्चना की थी। भगवान नारद ने भी मंदिर में आराधना की थी, इसी वजह से विशेष महत्व ये मंदिर रखता है। तो सिद्धपीठ मंदिर में नवरात्र की रौनक देखने लायक होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और माँ की पूजा विधि विधान से की जाती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है और अब नवरात्र चल रहे हैं तो विशेष तौर पर खास महत्व नवरात्र का भी उत्तराखंड में है। जी प्राची, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ नैना देवी हो, माँ मनसा देवी हो, माँ चंडी देवी हो या टिहरी की माँ सुरकंडा देवी हो, चारों धाम उत्तराखंड में है। ये गर्व के साथ साथ देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लिहाजा कोई भी त्योहार, तीज पर्व हो, उत्तराखंड का खास महत्व है। पूजन पाठ की बात करें तो हम इस वक्त सनातन धर्म मंदिर में हैं। मां के द्वितीय रूप मां ब्रह्मचारिणी की अभी दिव्य आरती हुई है कुछ देर पहले। श्रद्धालु अपनी तपस्या करके और जो उन्होंने आज का व्रत रखा है उसको लेके और संकल्प रखकर मंदिरों से चले गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर से जो गंगा माँ गंगा निकली तो माँ गंगा उत्तराखंड से निकली, माँ यमुना का स्थान भी उत्तराखंड ही है। तो लिहाजा पूरे देश में उत्तराखंड की जो पूजा पाठ परंपरा रीति रिवाज हैं उनका धार्मिक महत्व से काफी खासा स्थान है। और आज माँ का दूसरे जो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उनकी भी पूजा पाठ हो रही है। श्रद्धालु आज पूजा पाठ में इसलिए भी अधिक व्यस्त हैं क्योंकि आज रविवार का दिन है और श्रद्धालु अधिक से अधिक समय, क्योंकि लोग जो वर्किंग में हैं या दूसरे कामकाज में व्यस्त हैं, वो धर्म को कम समय दे पाते हैं। लिहाजा आज उनके पास भी अधिक समय है धर्म ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए। प्राची जी बिल्कुल। सुदीप, अगर बात करें महत्व की, अगर हम बात करें तो यूं तो पूरे देश में नवरात्र का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या अलग चीजें देखने को मिलती है नवरात्र के दिनों में? जी देखिए, उत्तराखंड में नवरात्र के दिनों में ये बात बहुत अच्छी कही आपने, क्या खास देखने को मिलता है। यदि हम माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी जो कि हरिद्वार में दो सिद्ध पीठ है, वहां की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। लोग अधिक संख्या में आकर यहाँ चाहते हैं कि माँ के सिद्धदात्री रूप के वो दर्शन करें और अपने जो मनोकामना है उसको माने, और मनोकामना कई लोग पूर्ण होने पर भी दर्शन करने आते हैं। इसी तरह माँ नैना देवी हैं और सुरकंडा देवी हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध स्थान है माँ के, जहाँ पे माँ का सिद्धदात्री रूप भी देखने को मिलता है, जो सिद्धि की योग पीठे हैं। तो ये वो प्रमुख स्थान है जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहते हैं। हालांकि नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं इसलिए कई लोग व्रत के दौरान बाहर का खाना पानी पसंद नहीं करते, लिहाजा वो यात्रा करने से भी बचते हैं। लेकिन जो लोग फलहारी का व्रत रखते हैं यानी फल लेते हैं, वो यात्रा करते हैं, तो उत्तराखंड का धर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राची जी बिल्कुल, नवरात्र की धूम भी वहां देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। वहीं चार धामों में गंगोत्री धाम के कपाट 21 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 12:30 बजे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में धाम के कपाट खुलने के समय का मुहूर्त निकाला गया। मां गंगा की उत्सव डोली 20 अप्रैल को अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से रवाना होगी और डोली रात्रि में भैरव घाटी में विश्राम करेगी और 21 अप्रैल की सुबह वहां से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना के बाद 12:30 बजे धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे।
तो गंगोत्री धाम के कपाट 21 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। बता दें आपको कि दोपहर 12 बजे जो कपाट हैं वो खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के, यानी कि 21 अप्रैल से माँ गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं के लिए जो 21 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया है, मुहूर्त निकाला गया है, उस दिन 12:30 बजे जो कपाट है वो खोल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल को 1:30 बजे माँ गंगा भगवती गंगा की जो जुलूस है वो मुखी मठ से प्रस्थान करेगा गंगोत्री की ओर और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। 21 अप्रैल को मंगलवार के दिन 12:30 बजे माँ भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उधर विकास नगर में कलसी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएम ने जो घोषणाएं पहले की थी उन्हें दोबारा से करने यहां आए हैं। पहले की गई घोषणाएं सीएम हरीश रावत पूरी नहीं कर पाए हैं। बीजेपी ने पहले से ही सीएम रावत के विरोध और काले झंडे दिखाने की योजना बना रखी थी, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता सभा स्थल से कुछ दूरी पर जमा हुए। सीएम हरीश रावत का काफिला पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धता बताते हुए नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को काबू में करकर मुख्यमंत्री के काफिले से कुछ दूरी पर रोक दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत करके उन्हें पीछे धकेला। हालांकि जब इस बाबत सीएम हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे केवल तिरंगा ही जानते हैं। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को बेहद सकारात्मक बताया है। सीएम का कहना है कि विधायी कामकाज और विधायकों की सक्रियता के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड बना है। बजट सत्र के बाद विधानसभा में मीडिया से कहा कि इस बार 51 घंटे सदन चला और सिर्फ 2 घंटे ही हंगामा हुआ, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष और उनके विधायकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि करीब 96% विधायकों ने कार्रवाई में सक्रियता दिखाकर विधानसभा की जीवंतता का परिचय दिया है। 51 घंटे 6 मिनट काम हुआ और 38 हो गया। हाँ 38 हो गया और जो व्यवधान है कुल वो 2 घंटे 18 मिनट का है। उत्तराखंड की विधानसभा के हिसाब से भी और आजकल सभी विधानसभाओं के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने भी विधानसभा के बजट सत्र को बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सत्र में राज्य सरकार ने 12 अधिनियम और अध्यादेश सदन में पारित कराए हैं। एक अधिनियम प्रवर समिति के पास गया है, जबकि सरकार ने आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल वापस लिया है। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण समेत अन्य तकनीकी बिंदुओं पर अध्ययन कर सरकार उसे सदन में पारित कराएगी। उन्होंने कहा कि गैर सरकार दिवस में कई अहम निजी संकल्प सदन में आए। ऐसे कई प्रस्ताव आए, सबने कहा ये समेत रूप से दोबारा विचारोपरांत लाया जाए। तो राष्ट्रपति जी के आने की संभावना है, उन्हें बुलाने मुख्यमंत्री जी और अन्य साथी जाएंगे। यदि वो आते हैं तो उसी विशेष सत्र में इसको भी हम पास करा देंगे, इसे बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का दावा है कि उनकी बदली रणनीति सरकार को घेरने में कामयाब रही है। उनका कहना है कि पहले बीजेपी जनहित मुद्दों पर नियम 110 के तहत चर्चा पर अड़ती रही, लेकिन सरकार सदन में अपनी फजीहत से बचने के लिए उस मांग को स्वीकार नहीं करती थी। नतीजन विधानसभा में हंगामा बरप जाता था और सरकार अपना कामकाज निपटा लिया करती थी, लेकिन इस बार सरकार ने नियम 58 के तहत चर्चा कराकर जनहित के मुद्दों पर सरकार को सदन में बैकफुट पर लाने में सफलता हासिल की है। इस बार हमने उठाए तो सारे मुद्दे पहले भी थे, प्रदेश के हित में हमको भी लॉस हो रहा था और सरकार हर बार बच के निकल जा रही थी। 310 हम जब उठाना चाह रहे थे, 310 को सरकार बदलती नहीं थी और सीधे सीधे भाग जाती थी, सदन ही उठा लेती थी। हमने सरकार की रणनीति देख ली। इस बार हमने जो भी मुद्दे 310 में उठाए तुरंत 58 पर अगर कहा तो हम मान गए, क्योंकि हमको सरकार पर अविश्वास है, विश्वास नहीं था, क्योंकि वो फिर वैसे ही कार्रवाई करती। इस बार सरकार फंसी रही और अंततो गत्वा असरकारी दिवस के दिन आज भी सरकार फंसते रही है। ऋषिकेश में चल रहे बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि शिविर में राज्य में 2017 में होने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। शिविर में बीजेपी प्रभारी श्यामा जाजू, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट सहित बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे।
भगवानपुर विधानसभा के लिए राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। जहां राष्ट्रीय दल और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रीय दल भी इस चुनाव में राष्ट्रीय दलों को मुंहतोड़ जवाब देने के दावे कर रहे हैं। यूकेडी भगवानपुर सीट पर दमदार तरीके से प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर तैयारी कर रही है, तो यूकेडी के संयोजक त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि यूकेडी भगवानपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरेगी। भगवानपुर सीट जो उपचुनाव हो रहा है, जो उसमें सुरेंद्र राकेश जो कैबिनेट मंत्री थे उनके निधन से सीट खाली हुई है और उत्तराखंड का दल मजबूती के साथ जो है इस उपचुनाव में शिरकत करेगा और भाजपा कांग्रेस को पूरी रोकने की कोशिश करेगा। आंदोलनकारी राज्य सरकार से नौकरियों में 10% आरक्षण संबंधी विधेयक लाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलनकारियों को डबल झटका लगा है। पहला तो सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग के अनुरूप विधेयक प्रस्तुत नहीं किया और फिर अगले दिन सदन में उसे वापस भी ले लिया गया। इसी गुस्सा होकर सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने हंगामा काटा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार ने गुमराह किया है। घायल और जेल गए आंदोलनकारी तो पहले ही नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, तो वहीं सरकार आंदोलनकारियों को गुटों में बंटने की बात कह रही है, जो कि गलत है। जो है राज्य आंदोलनकारियों के हित में अभी भी सरकार ने कोई इसमें संशोधन बिल पास नहीं किया, तो हम इसमें जो है सरकार से ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। हम इसमें आज रणनीति तय करेंगे और जो भी यहाँ पे फैसला होगा उसमें हम सरकार के खिलाफ जो है कड़ा से कड़म जो है उठाएंगे। एक ओर गंगा की सफाई का अभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में सरयू गोमती की सफाई की मांग उठी है। बीजेपी विधायक चंदन राम का कहना है कि बागेश्वर जिले का उत्तराखंड की काशी कहा जाता है। उन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इन नदियों में प्रदूषण को लेकर निजी संकल्प पेश किया। चंदन राम का कहना है कि बागेश्वर में सरयू गोमती का संगम होता है। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी चिंता से अपने को संबंध करते हुए केंद्र सरकार को 100 करोड़ की योजना भेजने की बात कही है। जल्दी ही बागेश्वर की जो धरती है, जहाँ सरयू और गोमती का संगम है, सुसुप्त सरस्वती है, उसके स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने के लिए सरकार काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड में जल जंगल और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। अब 9 सितंबर को राज्य स्तर पर पर्यावरण दिवस आयोजित होगा, जिसे लेकर उत्तराखंड विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। पेश एक रिपोर्ट। कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान है। वजह, राज्य का 35% भूभाग सघन वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन अब उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड स्तर पर पर्यावरण दिवस आयोजित होगा। खास बात यह है कि विधानसभा में राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच इस पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि खुद राज्य सरकार इसे प्रायोजित करेगी। 9 सितंबर को हम हिमालयन दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हिमालयी कंसर्न्स हैं, कि हमारे हिमालय के जो सरोकार हैं उनको उठाया जाए और उस विषय में नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया है, हम तय कर लेंगे मॉडलिटी क्या रहेगी। गौरतलब है कि अभी तक जून महीने में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन होता है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद अनिल जोशी की संस्था 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाती है। उत्तराखंड में हिमालय और पर्यावरणीय चिंता को आम में पहुंचाना इसका मकसद रहा है। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने विधानसभा में इस दिन को राज्य स्तर पर पर्यावरण दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर न सिर्फ सरकार सहमत हुई बल्कि उसे स्पॉन्सर करने की सहमति दे दी। भट्ट का कहना है कि जल्द ही राज्य स्तर पर इस आयोजन को भव्य रूप देने की योजना तैयार होगी। 9 सितंबर को हिमालय दिवस हमारी एक एनजीओ हेस्को वो मनाती है। आज एक प्रस्ताव रखा है और नेता सदन ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है और कहा है कि किस टाइप से इसको लेंगे, इसके नियमावली या इसके बारे में बाद में विचार कर लेंगे। तो एक बात, ये भी एक बड़ी उपलब्धि आज यहाँ के लिए हुई है। अभी तक वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड में राज्य स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है।
कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने यूपीएमटी परीक्षा की जानकारी दी और कहा कि 23 मार्च से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन और ई चालान शुल्क जमा करवा सकेंगे। 30 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में जमा हो सकेगा। शुल्क का ई चालान और बैंक ड्राफ्ट की प्रिंटेड प्रति 5 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे और 17 मई को परीक्षा और 31 मई को जारी परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद यूपीएमटी का परीक्षा शुल्क भी बढ़ाया गया है। सामान्य और पिछले वर्गों के लिए 2000 और एसटी एससी छात्रों को 1400 रूपए फीस देनी होगी। छात्रों की सुविधा को देखते हुए 4 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। अब अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, कोटद्वार और पिथौरागढ़ में परीक्षा होगी। कुलपति ने यह भी बताया कि नकल और फर्जीवाड़ा रोकने की विशेष व्यवस्था होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पहली तिथि जो है वो 23 तारीख से शुरू होगी और उसके बाद ऑनलाइन चालान से जो ड्राफ्ट वगैरह या फीस वगैरह करेंगे उसके लिए 25,000 तक है। हमारे पास जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने ऑनलाइन के टाइम पर फॉर्म तो भर दिया लेकिन फीस जमा नहीं किया, ऐसे बच्चे जो है 30 मई तक वो जमा कर सकते हैं ऑनलाइन चालान या ड्राफ्ट या जो भी है। और अंतिम तिथि जो डाउनलोड करने की प्रवेश पत्र वो हमने रखा है 5 मई तक। उत्तराखंड में खनन चोरी के चलते राज्य सरकार को हो रही राजस्व हानि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार खनन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का मन बना रही है। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे पूरे उत्तराखंड में खनन चोरी को नहीं रोका जा सकता, लिहाजा बेहतर होगा कि खनन का जिम्मा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए जिससे सरकार को एक मुफ्त राजस्व मिल जाएगा और प्राइवेट कंपनियां ही खनन चोरी पर नजर रखें। इतना ही नहीं, सरकार इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट में भी एक काउंटर एफिडेविट दायर करने जा रही है कि खनन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। माइनिंग सेक्टर में हमारा जो 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 हम सेटलमेंट करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इसको हम ऑक्शन के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से करें, तो उसके लिए अब हम अपनी नीति बना रहे हैं ताकि इसको हम लागू करें जिससे हमारी जो माइनिंग से जो इनकम है, जो वर्तमान में इनकम होती है, उसे डबल हो सके। अदरवाइज जो है इलीगल माइनिंग जो होकर जो शिकायतें आती है बार बार वो आती रहेंगी, क्योंकि पूरे इतने बड़े सिस्टम को हम कोई कंट्रोल किसी पुलिस फोर्स से तो नहीं कर सकते हैं। जब उसके राइट्स किसी को दे देंगे तो अपने प्रोटेक्ट करेगा उसको। राजधानी में निजी स्कूलों की दिन ब दिन मनमानी और लूट खसोट बढ़ती जा रही है। सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है लेकिन निजी संगठन अब निजी पब्लिक स्कूलों के खिलाफ एक मंच पर आ गए हैं और अब आंदोलन सीधे सरकार के खिलाफ शुरू करने की तैयारी है। संगठन में रोडवेज, बैंक से लेकर अन्य सामाजिक संगठन तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, स्कूल की किताबों से लेकर ड्रेसों में खास दुकानों से सेटिंग और रिश्वतखोरी हो रही है, जबकि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं है। और फिर ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन निजी स्कूलों की लूट समाप्त नहीं होती है और सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है उसके बेहतर करने के लिए आप तत्काल कोई जियो जारी नहीं करते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और 25 मार्च को हम लोग गांधी पार्क में सभी लोग इकट्ठा होंगे, वहां पे हमारा धरना कार्यक्रम भी होगा और साथ में भावी रणनीति भी वहां पे तैयार होगी। वहीं रुड़की के मैंगलोर में दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने गुड़ व्यापारी से 2,00,000 रूपये लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित गुड़ व्यापारी पीएनबी बैंक की शाखा से रूपये निकालकर घर वापस लौट रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की काफी खोजबीन की लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस ने यूपी से लगी तमाम सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस और एसओजी के अधिकारी बैंक में रखे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हैं। ये अपना पैसा निकाल के करीब 2,00,000 के आसपास बैंक से जब घर की ओर आ रहे थे तो पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति थे उन्होंने पीछे से झपट्टा मार के इनसे पैसे छीन के भाग गए। तो संबंध में नाकाबंदी करके चेकिंग वगैरह करवाई जा रही है और जो भी आगे कार्रवाई होगी इनके लिए सारी कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी और किसान महासभा के विरोध के बावजूद प्रदेश की रावत सरकार ने बिंदु खत्ता गांव को नगर पालिका बना दिया है और अब देहरादून से आए शासनादेश के बाद बिंदु खत्ता के नगर पालिका बनने की सारी कवायदें पूरी हो चुकी हैं। शहरी विकास विभाग से आए शासनादेश में एसडीएम पंकज उपाध्याय को नगर पालिका का प्रशासक और लालकुआ तहसीलदार को ईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रारंभिक पालिका का कार्य लालकुआ तहसील में ही संचालन करने के निर्देश दिए गए। आदेश मुझे प्राप्त हो गया है इस संदर्भ में, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय को भी आदेश किया गया है उसमें, तो जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने के उपरांत किस प्रकार से उसमें इसको फंक्शन में किया जाए और किस कर्मचारी से क्या काम लिया जाएगा ये सब तय करने के बाद इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी।